ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੈਲੀ ਤੀਰਥਨ ਵੈਲੀ ਤੀਰਥਨ ਰਿਵਰ ਮੇਰੇ ਬਗਲ ਮੈਂ ਵਿਊ ਇਨਸੇਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਤਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਕੇ ਨੇਚਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਊਂਡੇਡ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਇਤਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਕਹਿਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਰਾਈਡ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਰਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ ਰਾਈਡ ਮਤਲਬ 18 ਘੰਟੇ ਹਮ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਕ 18 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 7-8-9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਆਫ ਰੋਡ ਉਸਮੇ ਸੇ 3.5-4 ਘੰਟੇ ਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਥਾ ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੋਡ ਅੰਧੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਾਈਂ ਤਰਫ ਪਹਾੜ ਨੀਚੇ ਨਦੀ ਉਸਕੇ ਬਗਲ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪਹਾੜ ਰਾਤ ਕੋ ਪਹਾੜ ਐਸੇ ਦੇਖੋ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਰੀ ਇਸ ਵੈਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ भाई साहब राइड हो गई है आज तक की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट राइड थी मैं बता नहीं सकता मेरा क्या क्या फट गया क्या क्या फट गया भाई हालत देख रहे हो ये तो चलो लगेज के ऊपर कवर था वो सेफ है बट मेरी जैकेट के ऊपर कोई कवर नहीं था मेरे भाई बहुत एक होता है डेंजरस राइड एक होता है डिफिकल्ट राइड ये मेरी लाइफ की आज तक की सबसे डिफिकल्ट राइड थी तो डेंजरस तो वैसे हर राइड होती है पेट अपना अंदर चला गया वैसे हालत बहुत खराब है बाल बाल सब चिपके रहे हैं ऐसा लग रहा है मजदूर मैं बीआरओ का कोई बंदा हूँ जो अभी कोई लैंडस्लाइड हटा के हटा है ना बाकियों की भी हालत मैं आपको दिखा ये देखना हाँ भाई ये हालत देख रहे हो लाइट में आओ थोड़ा लाइट में ये जगह ना यहाँ से ये नहीं यहीं से जग जाएगी कि ये अपने अपना अपना खुद का वो दिखाओ आप प्लीज इधर आएंगे थोड़ा सा आप ये हालत देख रहे हैं हमारी नहीं देख रही ढंग से अब दिखेगी नमस्ते जी वी आर एट ब्यूटीफुल वैली तीर्थन वैली एंड जो स्टे है स्टे का नाम है तीर्थन उषा होम स्टे इट्स अ होम स्टे ब्यूटीफुल होम स्टे नेक्स्ट टू द रिवर बैंक्स ओके तो मात्र 100-150 मीटर नीचे उतरने पे रिवर सामने और बैठने की भी जगह है बिल्कुल और बिल्कुल रोड साइड पे है गोशैनी रोड के ऊपर ये होम स्टे है सो आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज तीर्थन वैली कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाई हुई है ये बेसिकली एक जंगल के अंदर बनी हुई वैली है तो इस तरीके से इन्होंने बनाई है कि बंदा ना हो जाता है नो मैटर आपने GPS भी लगाया हम लोग भी खो गए थे रात के टाइम पे दिन में तो चलो प्रॉब्लम नहीं आती बट हाँ इफ़ यू आर रीचिंग इन द नाइट देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा उषा स्टे रूम्स बहुत अच्छे हैं लोकेशन प्राइम है यहाँ से चैनी विलेज 21-22-23 किलोमीटर है और अपना हिमालय नेशनल पार्क और हिप्पो वाटरफॉल्स वो भी नाना करते 5-7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हैं तो ये एक इसकी मेन USP है खाना बहुत बढ़िया हमने रात को फुल एंजॉय किया था खाना वाना खाया था कोई कमी नहीं लगी इवन वी आर अबाउट टू हैव ब्रेकफास्ट राइट नाउ तो अभी फटाफट से लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट एंड गेट ऑन द बाइक और करते हैं एंजॉय नेशनल पार्क तो इसमें अभी जो हमारे कंस्ट्रक्शन नेचर पार्क बन रहा है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अच्छा तो मतलब इसमें काम चला है अभी तो 1-2 महीने के बाद ओपनिंग होगी इसकी नेचर पार्क की तो ये हमारे 72 हेक्टेयर में नेचर पार्क बन रहा है अच्छा तो इसके अंदर बर्ड्स ही होंगी बर्ड्स होंगी पर नेचुरल दिखेंगे कोई जू वगैरह में उसमें नहीं होंगे नेचुरल रहेगी जो चीज़ें नेचुरल होगी वो नेचुरल ही दिखेगी आपको अच्छा बोटैनिकल गार्डन रहेगा अच्छा जिसमें यहाँ की हमारी जड़ी बूटियाँ जो है सर्वाइव करेंगे उसको यहाँ पे तो रिसर्चर आएंगे और छोई वाटरफॉल है छोई उसका रास्ता बिल्कुल सीधा यहाँ से जाएगा और आपको आगे से लेफ्ट टर्न लेना होगा अच्छा और 1.5 या 2 किलोमीटर होगा फाइनली वी आर एट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड
हम लोग अभी स्टार्ट करने लगे हैं ट्रैक अपना। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है। जंगल बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अभी हमारे को मौका मिला था यहाँ के एग्जीक्यूटिव से बात करने का, तो वो आप अभी सुन ही रहे हो। उन्होंने हमारे को काफ़ी गाइड किया। तो कुछ Chhoie Waterfall डेढ़ दो घंटे का ट्रैक और ऐसा धांसू ट्रैक मैंने नहीं देखा। इतनी पतली नैरो पगडंडी बोल लो क्या बोलते हैं उसको रूट, और इधर मतलब पैर रख रहे थे जमीन भी धस रही थी। बट कहते हैं ना, दो कोट बोलना चाहूंगा यहाँ पे, एक रवि भैया ने अभी बोला, विनर्स आर द वंस हु डू नॉट क्विट एंड सेकंड डिफिकल्ट रूट ऑलवेज लीड्स टू द वन ऑफ द सेक्सीएस्ट डेस्टिनेशन एंड दिस इज द Chhoie Waterfall अनएक्सप्लोर्ड। और क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है यार। मुझे नहीं लगता कि कैमरा कोई भी जस्टिफाई कर सकता है। भाई साहब वो बहुत ठंडा पानी है, पैर सुन लो गे पानी की बुझार आ रही है ना। बहुत बढ़िया वाटरफॉल है, और जो इसका ट्रैक है, जो इसका पास है, बहुत ही प्यारा है। ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की टेरिटरी के अंदर आता है, तो ये कोई इंडिपेंडेंट वाटरफॉल नहीं है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वालों ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये जंगलों के अंदर आता है, उनकी बाउंड्री है, और बड़ा ही क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा जंगल है वो। लगभग 100-150 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ जंगल है। तो अगर आप तीर्थन वैली में आ रहे हो और आप ट्रैकिंग हाइकिंग के शौकीन हो ना, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि भाई ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज अ ग्रेट फॉर यू। फ्लोरा फौना यहाँ की बहुत बढ़िया भाई, एक्सेप्शनल। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बर्ड्स है ना, बर्ड भी आते हैं सुबह सुबह, ज़्यादा बर्ड्स मिलते हैं, अलग अलग आपको बदलाव आते सुनने में मिल जाते हैं। द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो ये GHNP है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये यूनेस्को की साइट है। मतलब जो यूनाइटेड नेशन हेरिटेज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्ल्ड वाइड जितनी इंसेन और प्रीशियस एक्जॉटिक मॉन्यूमेंट हो गया या इस टाइप के प्लेसेज हो गया वो होते हैं ना, उनको वो लोग ऑक्यूपाई करते हैं और उनको वो लोग फंडिंग करते हैं और उनकी टेक केयर के लिए वो लोग मतलब प्रॉपर टेक केयर वही करते हैं। बाकी यू कैन गूगल इट, गूगल कर सकते हैं। बट हाँ, यूनेस्को सर्टिफिकेशन एक चीज़ के लिए होना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगा कुछ चल रहा है मेरे को। ये टोटली
अनएक्सप्लोर्ड को नहीं कहूँगा लेकिन लेस एक्सप्लोर्ड है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये वाटरफॉल भी है यहाँ पे। इस खूबसूरत से वाटरफॉल तक आने के लिए दो रास्ते बनते हैं, एक जो हमारी तरह जिसको भाई मतलब ट्रैकिंग का शौक है वो डिफिकल्टी फेस करना पसंद करते हैं एंड वॉल, तो वो दो घंटे का ट्रैक करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। बीच में जो रास्ता ऐसा था कि एक टाउन की जगह थी, पाउंड की टकरे से तो ज़मीन भी साथ में खिसकने के चांसेस थे और पौधे ऐसे थे कि मतलब ना गैस था, तो वो बहुत डिफिकल्ट था। दूसरा वही ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का जो रोड है उस रोड का नीचे ऊपर थोड़ा सा गौशैन की तरफ, तो गैना करके गांव आएगा वहाँ पे बाइक गाड़ी लगा के और आधे पौने घंटे का ट्रैक है जिससे हम लोग प्रॉब्ली वापसी करेंगे। जिस तक हम लोग बाइक सकिए ट्रेन में ट्रैकेंगे, करना पसंद करते हैं बट ऐसा नहीं है कि भाई रियल देखिए बाउट क्या, तो इसलिए हम लोग इसलिए वापस जाएंगे। वो आधे पौने घंटे का ट्रैक है, इसी ट्रैक है वो भी लेके आप यहाँ पर आ सकते हैं।